हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, आज हम जो नया टॉपिक चालू कर रहे हैं वो ग्रुप अकाउंटिंग एसबीआर के अंदर। ये ग्रुप अकाउंटिंग क्या होता है? इसका मतलब है कंसोलिडेशन। ठीक है, तो कंसोलिडेशन आपने वैसे बेसिक्स इसके कहाँ से पढ़ना चालू करे थे? F3, फिर F7, और अब हम पढ़ रहे हैं एसबीआर। बट कई बार क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि F9 तक कई बच्चों की एग्जम्पशन होती है, कई स्टूडेंट्स हैं जो एग्जम्पशन लेके आए हैं, या कईयों ने F7 में अच्छे से नहीं पढ़ा। तो अपन एक बार कंसोलिडेशन जो है बेसिक से रिवाइज करके फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन होता क्या है, ये अगर चाहे तो कोई इंट्रोडक्शन पढ़ सकता है स्टूडेंट। कंसोलिडेशन होता क्या है? कंसोलिडेशन मतलब कि हम जो ग्रुप के अकाउंट्स हैं उसको बना रहे हैं। ठीक है, कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे सिंपल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड। ठीक है, आप ऐसे नाम ले लो अगर आपको नाम लेने में एक्स और एस एक जैसा लगता है। तो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है, और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, ये सब्सिडरी कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के मोर देन 50% शेयर्स, इक्विटी शेयर्स परचेज कर रखे हैं। क्या मतलब है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर्स खुद ने अपने पास रख रखे हैं। इससे क्या हुआ फर्क? एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई वाई की, और वाई लिमिटेड जो है सब्सिडरी कंपनी बन गई किसकी? एक्स की। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, इससे क्या एस्टेब्लिश हो गया? कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया। अब एक्स वाई पे कंट्रोल करता है। ठीक है, मींस एक्स जो है अपने अकॉर्डिंग वाई को टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, कुछ भी जो टर्म्स है कि भाई आपको बिजनेस इस तरीके से करना चाहिए, आपको आपके पास ये डायरेक्टर जो है बोर्ड में नहीं रहेगा, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, तो ये सब कौन कर सकता है? एक्स लिमिटेड। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स के पास मेजोरिटी शेयर्स हैं वाई के, राइट? वोटिंग पावर ज्यादा किसके पास है? एक्स के पास है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो कंट्रोल करता है वाई को। अब होगा क्या, जब एक्स खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसे बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? आप सिंपल इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, SFS, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्स खुद के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले बनाता है तब, ऐसे ही वाई खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अब आप एक बार बताओ, क्या एक्स की जो इनकम है वो कुछ वाई पे डिपेंड करती है या नहीं करती है? बिल्कुल डिपेंड करती है, क्योंकि वाई जो भी कमाएगा, मान लो एक्स ने वाई के अंदर 60% शेयर परचेज कर रखे हैं, तो वाई जो भी कमाएगा उसका 60% शेयर किसके पास जाएगा? एक्स के पास जाएगा, राइट? वाई जो भी इनकम अर्न करेगा उसका 60% शेयर एक्स के पास जाएगा। तो इसलिए एक रिक्वायरमेंट होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, जिसे क्या बोलते हैं? CFS। तो एक्स और वाई खुद के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही रहे हैं, साथ में एक्स जो है वाई को कंसोलिडेट करके भी अपने बुक्स में दिखाता है अलग से, तो उसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक्स जो है जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाता है तो वो क्या पिक्चर शो करना चाहता है अपने शोल्डर्स को? वो शो करना चाहता है कि देखो ये मेरा ग्रुप है और मैं इस ग्रुप पे क्या करता हूं? कंट्रोल करता हूं, नियंत्रण करता हूं। मेरे 50% से ज्यादा शेयर, मैंने 50% से ज्यादा शेयर वाई के परचेज कर रखे हैं, और वाई की जो भी इनकम होगी उसका मोर देन 50%
जो है 60%, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया, तो 60% इनकम वाई की एक्स के पास जा रही है, ठीक है। ये एक्स दिखाना चाहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि अपन कंसोलिडेट करके अकाउंट्स बना रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप मोर देन 50% किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हो, तो आपके पास ऐसा नहीं है कि जितने परसेंट शेयर एक्वायर किया उतना कंट्रोल आता है, कंट्रोल आपका पूरा 100% आ जाता है। जैसे यहां पे एक्स ने वाई के अंदर 60% शेयर्स एक्वायर करे, ठीक है, एक्स ने वाई के 60% शेयर एक्वायर करे, बट जो कंट्रोल आएगा वो 100% आएगा। एक्स वाई की जितनी भी असेट्स है, एक्स वाई की जितनी भी असेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी इनकम्स है, एक्सपेंस है, इक्विटी है, इन सब पे एक्स जो है वाई के 100% चीजों पे कंट्रोल रखता है, जबकि शेयर कितने एक्वायर किए थे 60%, क्योंकि 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर करते ही आपका कंट्रोल पूरा आ जाता है। अब ये नहीं है कि 60% ही कंट्रोल आएगा, ठीक है, मतलब एक्स जो है अपने हिसाब से जो टर्म्स है, जैसे मैंने बताया था, कोई भी टर्म्स, कोई भी कंडीशंस डिक्टेट कर सकता है वाई को कि आपको यही करना पड़ेगा, और वाई को वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वाई केवल 60% एक्स की बातें मानेगा, कि एक्स ने 10 बातें कही तो वाई उसमें से केवल 6 बातें मान रहा है, 4 बातें उसने इग्नोर कर दी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो क्लियर होनी चाहिए आपको, कि कंट्रोल हमेशा 100% चीजों पे आता है, जब भी आप मोर देन 50% शेयर एक्वायर करते हैं तो, और उसी कंट्रोल के हिसाब से हम क्या बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हो कि 60% शेयर एक्वायर किए हैं तो कंट्रोल तो 100% आ गया सर, लेकिन जो ओनरशिप है, ओनरशिप केवल कितनी आई है, 60% शेयर्स की ओनरशिप आई है, या 60% जो जितने भी असेट्स है, नेट असेट्स है, उनकी ओनरशिप आई है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कंट्रोल 100% का आया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर 545 सीट्स है अभी, ठीक है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, बस एक सिंपल बात कर रहे हैं। 2019 में इलेक्शन हुआ, जिसे लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं इंडिया में, ठीक है, और उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा सीटें आई बीजेपी के पास वो 301 या 300 के आसपास आई थी, 300 मान लेते हैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए। 545 सीट्स है तो बीजेपी के पास 300 सीट आई, मोर देन 50% सीट आ गई, दिख ही रहा है, साफ पता लग रहा है ऑब्वियसली। तो बीजेपी के पास सरकार जो है वो बनाने का पूरा कंट्रोल आया है, या फिर केवल 300 सीटों के बराबर ही कंट्रोल आया है, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 545, क्या इतना परसेंट ही कंट्रोल आया है, ये अगर परसेंटेज में निकालूं 55%, या 100% गवर्नमेंट बनाने का कंट्रोल आ चुका है, 100% गवर्नमेंट बनाने का कंट्रोल आ चुका है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि भी बीजेपी की सरकार है इंडिया में 2019 से, राइट, क्यों है, क्योंकि मोर देन 50% सीट्स जो है वो बीजेपी की आ गई, राइट। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 55% ही कंट्रोल आया है, कि वो केवल 55% ही कंट्रोल कर पाएगी चीजों को, बाकी सब नहीं कर पाएगी, नहीं, चीजों को 100% कंट्रोल करेगी, ओके, कर रही है। तो उसी तरीके से हमने डिस्कस किया कि जो कंपनीज है, जब किसी के 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर करती है तो कंट्रोल कितना आता है, 100% कंट्रोल आता है, भले ही ओनरशिप क्या हो, ओनरशिप आपकी कम हो, ओनरशिप मान लो 60% ही हो। और जो हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बना रहे हैं वो किस बेसिस के हिसाब से बना रहे हैं, कंट्रोल बेसिक्स के हिसाब से बना रहे हैं। कंट्रोल
बेसिस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ना कि हम लोग ओनरशिप के हिसाब से बनाते हैं। इसीलिए हम जो कंसोलिडेशन करेंगे वो 100% सारी असेट्स, 100% लाइबिलिटीज का कंसोलिडेशन करेंगे। हाँ, अब आप ये बात कह सकते हैं कि सर 60% ही तो हमारे पास शेयर्स हैं, जैसे एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। एक्स ने वाई के 60% शेयर एक्वायर कर लिए, 40% एक्वायर नहीं करे, ठीक है? मतलब 40% शेयर अदर पर्संस के पास है, ठीक है? अदर पर्सन हो सकता है, अदर कंपनी हो सकती है, उनके पास है। लेकिन जब एक्स कंसोलिडेशन करेगा, अभी अपन आगे प्रैक्टिकल देखेंगे, तो एक्स पूरा 100% असेट्स और लाइबिलिटीज का कंसोलिडेशन करेगा, क्लियर? तो 50, तो जो 40% जो आपने एक्स्ट्रा कंसोलिडेशन कर दिया, उसके लिए हम एक लाइबिलिटी बुक करते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। होप, क्योंकि अपन चीजें रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक पेस भी मेंटेन कर रहे हैं, वरना क्या होगा कि भाई जिसने F3 F7 पढ़ रखा है वो बहुत ज्यादा बोरियत महसूस करेगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बट बेसिक डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी ये सब कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा तो जब आप अब इसके बाद सीधा, अब ये तो पढ़ना है नहीं आपको, SPR तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद दोबारा कोई अकाउंट्स आएगी नहीं आपके सिलेबस के अंदर, तो फिर अब कहीं और पढ़ने का मौका नहीं है। तो जब आप कंपनीज में जाओगे, आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बैकग्राउंड पीछे का क्लियर नहीं है, तो फिर परेशानी होने वाली है। इसलिए अभी लास्ट टाइम है ये, इसको क्लियर कर लो, ठीक है? तो हम चीजों का कंसोलिडेशन कितना करते हैं, 100%। तो हमने जैसे 40% एक्स्ट्रा कंसोलिडेशन कर लिया, इसीलिए हम एक लाइबिलिटी बुक करते हैं, लाइबिलिटी साइड में बुक करते हैं, जिसे बोलते हैं एनसीआई। लाइबिलिटी भी नहीं बोलते इसको, इससे बोलते हैं इक्विटी, ठीक है? क्योंकि ये क्या है, बेसिकली शेयर्स ही तो है, लेकिन है किसी और के पास। भाई आप यही तो कहोगे 40% शेयर किन्हीं और लोगों के पास है, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो हमारे पास है, एक्स के पास है, ठीक है? तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो ग्रुप कंसेप्ट क्या है, ग्रुप कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे हर कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, माना कि एक्स भी सेपरेट है, वाई भी सेपरेट है, ठीक है? तो दोनों के अकाउंट्स अलग अलग बनने चाहिए, बट क्योंकि एक्स का वाई के ऊपर कंट्रोल है, तो एक्स वाई को कंसोलिडेट करके भी दिखाता है अपनी बुक्स में। क्योंकि अगर वाई की इनकम अगर वेरी करेगी तो उसका इफेक्ट एक्स पर आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्स के पास वाई के 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। ओके, तो व्हेन वन कंपनी ओन इनफ शेयर्स इन अनदर कंपनी टू हैव अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स एट दैट कंपनी AGM, द फर्स्ट कंपनी में अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ एंड डिसाइड व्हाट डिविडेंड शुड बी पेड बाय द सेकेंड कंपनी। अब एक्स वाई के लिए सब कुछ डिसाइड कर सकता है कि वाई में कौन डायरेक्टर होगा, है वाई डिविडेंड पे करेगी कि नहीं पे करेगी, ये सब कौन डिसाइड कर सकता है, एक्स, क्योंकि एक्स के पास वाई के मेजोरिटी शेयर्स हैं। ओके, अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको ध्यान हो तो, अकाउंट्स में सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो कंसोलिडेशन करना भी एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जाम्पल है। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब क्या होता है, पूरा वर्ड अगर अपन बोले तो सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, कि लीगल फॉर्म के अंदर तो कंपनी दोनों अलग अलग है, एक्स अलग है, वाई अलग है, बट हम फिर भी एक्स और वाई को कंसोलिडेट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि सब्सटेंस में ये कंपनी एक है, ठीक है ना? सब्सटेंस मतलब कि एक्स वाई पे कंट्रोल करता है। इसलिए तो अगर आपसे कभी पूछे रहे कहीं हाई लेवल की चीजों पे कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या एग्जांपल हो सकता है, तो आप बोलते हैं ये। ओके, कंसोलिडेशन करना। अब जैसे मैरिज होती है, आप सोचो जब शादी होती है तो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उनकी शादी हो गई, ठीक है? और ये दो पर्सन हो गए, अब मिस्टर एंड मिसेस, है ना? अब मिस्टर एक्स के पास जो प्रॉपर्टी है, मान लो 10 लाख है,
और मिसेज एक्स के पास भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खुद की 10 लाख थी, दोनों के पास शादी से पहले 10-10 लाख की प्रॉपर्टी थी। अब क्योंकि शादी हो गई तो ये दोनों अपनी चीजें कैसे दिखाते हैं, कंसोलिडेट करके। क्लियर क्या? तो भाई एक ही घर में रह रहे हो तो अब आप क्या है, कंसोलिडेशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, सोच पा रहे हो। तो आपको पता है जब लोग बाग इनकम टैक्स में कोई छेड़ाछाड़ी करते हैं, मतलब इनकम टैक्स को कम ज्यादा करते हैं, तो भी इनकम टैक्स वाले इन दोनों को एक ही पर्सन मान लेते हैं। ठीक है, एक्स ने, जैसे मिस्टर एक्स ने मिसेज एक्स को कुछ इनकम ट्रांसफर करी, कुछ पैसे ट्रांसफर करे ताकि मिस्टर एक्स की इनकम कम शो हो इनकम टैक्स में, तो क्या इनकम टैक्स वाले वो बात मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो वापस से इनकम मिस्टर एक्स के हाथों में क्लब कर देते हैं, उसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। वो बोलते हैं कि भाई आप दोनों तो एक तरीके से एक ही एंटिटी हो ना, अलग अलग थोड़ी हो। इसी तरीके से चिल्ड्रन की जो इनकम होती है, चाइल्ड की जो इनकम होती है, वो उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है। क्यों क्लब होती है? वही कंसोलिडेशन। तो ऐसे भी सोचो, आप अपना माइंड ब्रॉड करो कि कंसोलिडेशन केवल कंपनीज के ऊपर मत सोचो, लेके आप ऐसे सोचो, देखो हस्बैंड वाइफ या एक फैमिली परिवार, उसके अंदर भी कंसोलिडेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस जो है कहीं ना कहीं सब एक ही कंट्रोल में है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे शादी हुई, इनकी अलग प्रॉपर्टी, इनकी अलग प्रॉपर्टी, अब दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी, क्या इनकी क्या उनकी। मैंने गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया, जैसे बीजेपी की 303 सीट्स है, ठीक है, आउट ऑफ 545, 545। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि 50% से ज्यादा सीट्स है, तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर रही है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही है। तो सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन प्रेजेंट करें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से कि इकोनॉमी, मतलब जो आपकी अंडरटेकिंग है, दोनों अलग अलग एक्स और वाई, वो एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट की तरह प्रेजेंट करें। ठीक है, हम बताएं कि सारे के सारे रिसोर्सेस कितने कंट्रोल में है पूरे के पूरे ग्रुप के, हम बताएं कि पूरी की पूरी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कितनी है ग्रुप की। इकोनॉमिक रिसोर्सेस समझ गए, असेट्स। ओके, ये लाइबिलिटीज की बात चल रही है। द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसीलिए हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए, सीबीएस। यहां पे हम कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक, अपन ने डिस्कस कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको, जो हमने मतलब पहले F7 और F3 में पढ़ा हुआ है, तो अगर किसी स्टूडेंट को उसमें कॉन्सेप्चुअली दिक्कत है, ठीक है, तो वो समझ में आए। क्लियर क्या? अभी ध्यान रखना, हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं। मैंने SBR अभी नहीं उठाया है, एक तरीके से आप कह सकते हो। हमने अभी कंसोलिडेशन जो उठाया ना, बिल्कुल नीचे स्तर से उठाया है, जीरो से, माइनस से कह सकते हो आप। तो देखो, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, एक बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 की, एस लिमिटेड और पी लिमिटेड। तो पी ऑब्वियसली पेरेंट कंपनी के लिए बोल रहा हूं, और एस क्या है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 लाख और 20 लाख, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ये सब्सिडरी होना चाहिए, सब्सिडी गलत लिखा है, तो 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है। किसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है? ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है पेरेंट ने। ठीक है, पेरेंट ने 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के। करंट असेट्स है 1 लाख 5 लाख की, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, करंट लाइबिलिटी। शेयर कैपिटल देखो आप, 30 लाख पेरेंट के शेयर हैं, 30 लाख डॉलर या रुपी जो भी बोलना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 10 लाख। क्लियर क्या? तो अगर सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर्स मैं आपसे पूछूं कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 लाख शेयर होंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, 1 लाख इंटू 10,
उसमें से होल्डिंग के पास कितने शेयर हैं? 80%। मीन्स होल्डिंग के पास 1 लाख में से 80,000 क्वांटिटी के शेयर्स हैं जो होल्डिंग कंपनी ने 15 लाख में खरीदे हैं। इज इट ओके भाई? ये सही है? ये दिक्कत कर रहा है आपको या फिर नहीं? बिल्कुल सिंपल चीज है। 10 लाख के शेयर्स हैं, 10 लाख डॉलर या रुपी, और 10 ईच का एक शेयर है, तो 10 ईच 1 लाख × 10 हो गया, मतलब 10 लाख। क्या 10 लाख/10, 1 लाख शेयर क्वांटिटी, 80% एक्वायर करें मतलब 80,000, और कितने में एक्वायर करें? 15 लाख में। अदर इक्विटी मतलब प्रॉफिट वगैरह ये सब चीजें होगी। पी लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 31 मार्च 2022। ऐसे केस में आपको बैलेंस शीट की डेट देखनी चाहिए। बैलेंस शीट की डेट भी 31 मार्च 2022 है, तो दोनों डेट सेम है, राइट? अगर अलग होती तो क्या होता? तो अगर आपको याद हो तो प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस केवल नाम लिया मैंने। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022, अज्यूमिंग एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 3 लाख। ये क्या लिखा है अभी देखते हैं। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। क्लियर क्या? ये जो क्वेश्चन है ये F7 लेवल का क्वेश्चन है, मींस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि मैं आपको चीजें समझा सकूं। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कितना होल्डिंग कंपनी जो है परसेंटेज में शेयर एक्वायर करके बैठी है सब्सिडरी कंपनी के, कितने परसेंट एक्वायर करके बैठी है? 80% शेयर एक्वायर करके बैठी है, ठीक है? अभी मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दूंगा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगा, है ना? जो कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं F7 F3 लेवल पे, मेरा काम है उसको अभी ठीक करना फिलहाल। सेकंड पॉइंट क्या है? अब देखो पूरा एक बेसिक ऑफ कंसोलिडेशन समझना अच्छे से, है ना, बिल्कुल ध्यान से, वरना अगर यहां पे चूक गए तो आपको आगे वाली क्लासेस सारी रटनी पड़ेगी। क्लियर क्या? ध्यान सुनो, पूरी फिलॉसफी क्या है कंसोलिडेशन की। हमने जैसे डिस्कस किया कि पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है, ठीक है, और इसीलिए पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को अपने अंदर मिला के दिखा रही है, ठीक है? वो दिखा रही है कि देखो मैंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, असेट्स जो है, कितनी कंट्रोल कर रखी है, लाइबिलिटी पे मेरा कितना कंट्रोल है। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, पेरेंट कंपनी की बुक्स चेक करते हैं। पेरेंट कंपनी ने अभी तक खुद के अकाउंट्स बना रखे हैं और सब्सिडरी ने भी खुद के अकाउंट्स बना रखे हैं, तो सब्सिडरी के अकाउंट्स को क्या बोलेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेरेंट के भी अकाउंट को क्या बोलेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों के अकेले अकेले अकाउंट्स हैं, ओके? इनमें अभी तक कंसोलिडेशन नहीं हुआ। क्लियर? अभी पेरेंट और सब्सिडरी इस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रिश्ता दिखा रही है? पेरेंट बस इतना सा बोल रहा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं सब्सिडरी के अंदर 15 लाख के। क्लियर? और कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है? 80%। हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि इस इन्वेस्टमेंट को, ध्यान सुनना, पॉइंट पकड़ना अच्छे से, इस इन्वेस्टमेंट को मुझे खोल के दिखाना है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको ओपन करके दिखाऊं। मैं देखूं कि मैंने उस कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रखा है, 80% शेयर एक्वायर कर रखे हैं, आखिर 80% में क्या क्या मुझे मिलेगा। अभी तो मैंने केवल 15 लाख का अमाउंट लिखा है, ठीक है? अच्छा एक बार बताओ, आप क्या समझते हो कि जैसे पेरेंट ने 80% कंपनी के शेयर एक्वायर करे, इसका क्या मतलब होता है? या फिर मैं आपसे पूछूं कि चलो आपने किसी कंपनी के, रिलायंस के, सपोज 10% शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है, तो इसका मतलब आप रिलायंस के क्या बन गए? ओनर बन गए। ऑब्वियसली 10% ओनर बन गए कंपनी के, ठीक है? एक एग्जांपल है ये। इसका मतलब क्या, इसके आगे क्या?
इसका मतलब कि आप रिलायंस की जो भी नेट असेट्स है उसका 10% अब आपकी ओनरशिप में आ गया, आप उसको ओन्ड करते हो, ठीक है ना। यही तो होता है शेयर, मतलब क्या ओनरशिप एक तरीके से, ध्यान समझना, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे स्टूडेंट जो है फिलॉसफी भूल जाते हैं कि अपन कर क्यों रहे कोई काम को। तो 10% आप उसके ओनर हो नेट असेट्स के। नेट असेट्स क्या होती है, जितनी भी असेट्स है, चाहे वो पीपीई है, चाहे वो करंट असेट्स है, या कोई भी अदर असेट्स है, कोई सी भी अदर असेट्स है, उसमें से अगर लाइबिलिटी लेस कर दें, असेट्स में से लाइबिलिटी को लेस कर दें, तो क्या बचेगा, नेट असेट्स। लाइबिलिटी भी कोई भी हो सकती है, नॉन करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है, करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है। मतलब अगर आपने 10% रिलायंस के अंदर शेयर एक्वायर कर रखे हैं, इसका मतलब कि आप रिलायंस की नेट असेट्स में 10% हिस्सेदारी रखते हो। एंड व्हाट इज रिलायंस की नेट असेट्स, रिलायंस की नेट असेट्स मतलब कि सारी असेट्स रिलायंस की, और रिलायंस की सारी लाइबिलिटीज लेस कर दिया, तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी करा तो क्या आ गया, नेट असेट्स आ गया, राइट। और असेट्स ये सब हो सकती है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अभी तक आप अपने बुक्स में क्या दिखा रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस 10% का, ठीक है। बट अभी ये कंट्रोल नहीं है, आप क्या रिलायंस पर कंट्रोल करते हैं, नहीं, क्योंकि आपका 50% से कम शेयर है। अब आपने क्या किया, रिलायंस में 60% शेयर एक्वायर कर लिए, तो आप रिलायंस के कितने परसेंट के ओनर बन गए, 60% के। कंट्रोल अब आपका कितना आ गया, 100%। जो अब आप रिलायंस को बोलोगे वो रिलायंस को करना पड़ेगा। आपके पास अब रिलायंस की कितनी नेट असेट्स कंट्रोल में आ गई, कंट्रोल में तो 100% आ गई, ओनरशिप में कितना है, 60%, ठीक है। तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट किस प्रिंसिपल को मानते हैं, हम मानते हैं कंट्रोल प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंट मानते हैं। हम क्या बोलेंगे कि अभी तक आप अपनी बुक्स में क्या दिखा रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, अपनी जो खुद की अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे ना, अभी तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस 60% दिखाते थे। मैं कहता हूं ये हटा दो, इन्वेस्टमेंट को रिमूव कर दो अपनी बुक्स में से, और अब आप ये दिखाओ कि अब आप रिलायंस रिलायंस के पास आखिर 60% असेट्स क्या है, ये दिखाओ। आप दिखाओ कि रिलायंस के पास कौन कौन सी असेट्स है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, वो अपनी बुक्स में लेके आओ, ठीक है। तो अब आप रिलायंस की सारी असेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटीज, मतलब रिलायंस की नेट असेट्स को अपनी खुद की बुक्स में इनकॉर्पोरेट करो। कितना परसेंट, 100% इनकॉर्पोरेट करोगे। क्यों, क्योंकि आप भले ही रिलायंस के 60% के ओनर हो, लेकिन आप कंट्रोल कितना करते हो, रिलायंस को 100% कंट्रोल करते हो। तो अब आपकी बुक्स में जो आपकी बैलेंस शीट है, जिसमें आप अभी तक असेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस दिखा के आ रहे थे, ठीक है, 60% जो भी दिखा रहे थे, मैं कहता हूँ इसको तो हटा दो, और इसकी जगह अपनी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर 100% असेट्स और 100% लाइबिलिटीज दिखाओ रिलायंस की, है ना। ये होता है कंसोलिडेशन करना। लेकिन चलो ठीक है सर, हम 100% क्यों कर रहे हैं अगर कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपका कंट्रोल 100% का है। लेकिन सर फिर भी 40% तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 40% एक्स्ट्रा हो गया, तभी तो मैं 40% का क्या दिखाऊंगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। लेकिन कंसोलिडेशन मुझे 100% पे ही करना पड़ेगा, समझ में आया, कंसोलिडेशन 100% पे ही होगा। तो इट मींस, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होता क्या है, कंसोलिडेशन मतलब आप कुछ अपनी बुक्स में से हटाओगे। क्या हटाओगे, यू विल रिप्लेस योर इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस। आपनी अपनी बुक्स में से, आप अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस नाम के अकाउंट को रिमूव कर दोगे,
और उसकी जगह आप क्या लेके आओगे, नेट असेट्स ऑफ रिलायंस, वो भी कितना परसेंट, 100%। बट क्योंकि आप 40% ज्यादा ले आए तो आप 40% का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाओगे, ये इक्विटी होगी आपकी। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो जब मैं इस क्वेश्चन में दोबारा आ जाता हूं वापस से, जब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मेरा 80% जो है मैंने उस कंपनी के शेयर एक्वायर कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के, तो मैं कंट्रोल कितना कर रहा हूं, 100%। तो मैं अब जितनी भी नेट असेट्स है सब्सिडरी कंपनी की उसको अपनी पेरेंट कंपनी के अंदर जोड़ दूंगा, ठीक है, और कितना जोड़ूंगा, 100%। और क्योंकि 20% ज्यादा जोड़ दिया इसलिए 20% का एनसीआई बुक करूंगा। ओके, अगर आप मुझसे इसके बारे में, चलो आप आगे देखते हैं ना, तो पहले तो चेक करते हैं कि सर नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी कितना है। समझ में आ गया भाई, होल्डिंग जो है सब्सिडरी कंपनी के अंदर 80% जो है शेयर एक्वायर करके बैठा है, तो इसका मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी के अंदर 80% जो नेट असेट्स है वो ओन करती है और 100% कंट्रोल करती है। ओके, तो नेट असेट्स देख लेते हैं सब्सिडरी कंपनी की कितनी है। अब नेट असेट्स क्या होती है, दो तरीके होते हैं। आपने स्कूल्स में देखा होगा कभी ना कभी जब अपन 11th क्लास में थे कि कैपिटल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, या कैपिटल की एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, असेट्स कैपिटल निकालने की एक इक्वेशन होती है, असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ये कैपिटल निकालने की एक इक्वेशन होती है, राइट। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स कितनी है, तो आप या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दो या केवल कैपिटल ऐड कर लो, कैपिटल में कैपिटल प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह ये सब चीजें आ जाती है। तो बताओ सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स कितनी है, या तो असेट्स सारी ऐड कर ली, कितनी आ गई, 13 लाख, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी लेस कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी, तो 13 लाख माइनस 1 लाख कितना हो गया, 12 लाख। तो नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 12 लाख मतलब 12 लाख है। या फिर आप सीधा सीधा शेयर कैपिटल और इक्विटी को जोड़ दो तो ये भी क्या है, एक कैपिटल ही है, ठीक है ना, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स होंगे, अदर इक्विटी मतलब रिजर्व्स, राइट। तो टोटल 12 लाख। तो कान कैसे भी पकड़ लो दोनों से आंसर तो एक ही आना है, या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर लो। ओके, तो 10 + 2 = 12 लाख। तो नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज 12 लाख, राइट। अब होल्डिंग कंपनी जो है उसका कितना शेयर है इसमें, 80%। तो होल्डिंग शेयर कितना हो गया, 12 लाख का 80%, 9,60,000। ओके, धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम से स्पीड नहीं बना रहा, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भारी है। बाकी अगर वैसे मैकेनिकली करना चाहो तो कुछ भी नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ काम हो गया। जैसे कई लोग F7 में याद कर लेते हैं भाई ये तरीका ये स्टेप से बस खत्म कहानी, लेकिन जब आप अंदर घुसने जाओगे ना तो समय लगेगा चीजों में, बाकी ऊपर ऊपर से में कोई टाइम थोड़े लगेगा, पढ़ लो ऊपर ऊपर से, लेकिन कितना याद रहेगा, बार बार भूल जाओगे, स्टेप्स ही बार बार याद रखते रहोगे, और फिर याद करके फायदा क्या है, जब आपकी कंपनी में काम ही नहीं आएगा, कंपनी में आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेगा फिर क्या करोगे, कर क्यों रहे कंसोलिडेशन, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलो अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला समझ में आ गया, होल्डिंग का शेयर है 80% का, फिर होल्डिंग के पास नेट असेट्स जो है सब्सिडरी कंपनी की वो 9,60,000 की ओनरशिप है। कंट्रोल आप 100% करते हो, ठीक है, बट ओनरशिप कितनी है, 80%। ओके,
गलती से अगर 60 बोल दिया हो तो सॉरी है ना, वैसे तो 80 ही है ना, गलती से लेकिन निकल गया हो तो अभी 60 इसी एग्जांपल के अंदर तो गड़बड़ हो गई। ओके 80% ही है। चलो अब तीसरी कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की। यहां पे देखना क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ प्रीमियम पे करते हैं, सही है कि नहीं है बात। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो बहुत मोटा पेमेंट करना पड़ा। तो वो बहुत मोटा पेमेंट, ऐसा नहीं है कि फेसबुक को व्हाट्सएप की कोई असेट्स से प्यार है, जो ऑफिसेज हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, या एम्प्लॉयज हैं, या उसके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन सब से प्यार है फेसबुक को क्या? फेसबुक तो ये कहीं पे भी खरीद लेगा, लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो तो पुरानी हो गई फिर भी क्यों पेमेंट कर रहा है उसके बदले? सबसे मोटा पेमेंट आता है गुडविल का। ओके फेसबुक ने जो सबसे ज्यादा पेमेंट किया होगा जो व्हाट्सएप और इंस्टा को खरीदते समय, वो गुडविल का पेमेंट सबसे ज्यादा किया है, राइट? इसीलिए आप देखें कि जब सब्सिडरी कंपनी को खरीदा गया होल्डिंग के थ्रू, होल्डिंग ने 80% शेयर खरीदे, तो कितने पैसे दिए? देखो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 15 लाख, कॉस्ट आपने कितनी पे करी है? 15 लाख। होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए 15 लाख का कॉस्ट पे करा, जबकि नेट असेट्स का शेयर कितना मिला? 9,60,000 है ना भाई। उस दिन पूरी सब्सिडरी की नेट असेट्स ही कितनी थी? 12 लाख की। 12 लाख का 80% आपकी हो गई, तो 9,60,000 हो गया। तो ये जो 540 यू आर पेइंग एक्स्ट्रा, 540 दिस इज नोन एज गुडविल, ठीक है? इसी को ही हम गुडविल बोलते हैं, राइट? इस गुडविल को दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ऑब्वियसली ये इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल जो हमने किसी बिजनेस परचेज में एक्वायर करी है। क्या ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है या परचेज्ड गुडविल है? सर ये परचेज्ड गुडविल है। ओके इंटरनली जनरेटेड नहीं है। क्या होगा सर इसका? इंपेयरमेंट होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। गुडविल का आपको पता है अमोर्टाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एक लाइफ फिक्स नहीं होती गुडविल की, इसलिए। अच्छा अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आता हूं, ध्यान से समझना ठीक है, जहां पे बच्चे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। ये होल्डिंग के हिसाब से हमने निकाला कि भाई होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को 15 लाख पे करे, और होल्डिंग के पास नेट असेट्स जो आई सब्सिडरी कंपनी की वो 9,60,000 की आई। इसका मतलब होल्डिंग ने 5,40,000 एक्स्ट्रा पे करे, जिसको बोलते हैं होल्डिंग की ये गुडविल है, ठीक है? लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जो एनसीआई होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, उसमें भी गुडविल का एलिमेंट छुपा हुआ होता है, ठीक है? कैसे? चलो देखो, पहले मैं आपको एनसीआई बताने से पहले मैं एक बार आपको जर्नल एंट्री बताना चाहूंगा, ठीक है? अगर मान लो कंसोलिडेशन करा जाए, अगर आपको जर्नल एंट्री बताई जाए और आपसे बोले बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो आप बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे, क्या दिक्कत है? ये जर्नल एंट्री कौन करेगा? पेरेंट, ठीक है? हम केवल ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा ये कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? पेरेंट कर रहा है कि सब्सिडरी कर रही है? ऑब्वियसली पेरेंट कर रहा है, ठीक है? पेरेंट के पास खुद के स्टैंड अलोन अकाउंट्स हैं, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और पेरेंट के पास सब्सिडरी से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाए हुए रखे हैं, वो भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। पेरेंट ने उठा के दोनों को कंसोलिडेट करना चालू किया है, और वो कंसोलिडेशन करने का काम हमें मिला है, ठीक है? हमने ये अभी तक वर्किंग्स करी है। ओके ये चल रहा है, राइट? अब मैं बोलूं चलो
इतने पे ही कंसोलिडेशन करके देखते हैं, है ना। एनसीआई वाली बात को एक बार भूल जाओ। तो मैं आपसे पूछूं, चलो एज अ अकाउंट्स स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए कंसोलिडेशन करने की, तो आप क्या बताओगे? सोचो जरा, आप कर क्या रहे हो? पेरेंट की बुक्स में से इन्वेस्टमेंट को हटा रहे हो, ओके, है ना, इन्वेस्टमेंट हट रहे हैं, और उसकी जगह क्या आ रहा है? उसकी जगह नेट असेट्स जो है सब्सिडरी कंपनी के, उसको लेके आ रहे हो। पेरेंट मतलब होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सब्सिडरी कंपनी में, उसको आप रिमूव करके क्या लेके आ रहे हो? सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स को लेके आ रहे हो। तो अगर जनरल एंट्री मारनी हो आपको, तो आप क्या एंट्री करोगे? कर देंगे, देखो इन्वेस्टमेंट हमारी बुक से हट जाएंगे, तो टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे। होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? टू इन्वेस्टमेंट कितने के? 15 लाख के। नेट असेट्स इन्वेस्टमेंट हटे तो क्या आ गया उसकी जगह? नेट असेट्स। नेट असेट्स कितने के? 9,60,000 के। क्लियर? एक बार 80% पे कंसोलिडेशन करेंगे मान लो, तो 9,60,000 के नेट असेट्स आ जाएंगे, और साथ में क्या आ जाएगी? गुडविल। गुडविल कितने की? 5,40,000 की। चेक कर लो जरा बैलेंस शीट मिल जाएगी क्या या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। इस एंट्री को समझो, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। क्या किया पेरेंट ने? पेरेंट ने अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट हटा दिए, टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया, असेट्स खत्म हो गई, और सब्सिडरी की जो नेट असेट्स थी, 80% शेयर था पेरेंट के पास, वो 9,60,000 नेट असेट्स को अपने पास लेके आ गया। नेट असेट्स में असेट्स भी आ गई और लाइबिलिटी भी आ गई, ठीक है। असेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या होता है? नेट असेट्स, और गुडविल भी आ गई, ओके। अगर इस एंट्री को और खोल के देखा जाए, थोड़ा सा और एक्सपेंड करा जाए, तो ऐसे कैसे एंट्री को एक्सपेंड करोगे आप? जितनी भी सब्सिडरी कंपनी की असेट्स है, ठीक है, उसका 80%, और जितनी भी सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटी है उसका 80%। तो असेट्स और लाइबिलिटीज क्या हो गया? 80-80% मतलब कैंसल। तो नेट असेट्स आ गई, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। गुडविल डेबिट कर दिया 5,40,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए कितने के? 15 लाख के। नेट असेट्स कितने की आ गई? नेट असेट्स आ गई 9,60,000 की, ओके। ये असेट्स माइनस लाइबिलिटी करा तो 9,60,000 आ गया। चेक कर लो एंट्री मिल रही है क्या, दोनों को डेबिट को जोड़ लो और एक क्रेडिट हो गई एंट्री। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। क्या इससे बैलेंस शीट बन जाएगी? इस एंट्री से बन जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? डबल एंट्री तो हो गई पास। तो पेरेंट अपनी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट हटा देगी, और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मिला लेगी अपने अंदर, और करंट असेट्स को मिला देगी, और करंट लाइबिलिटी को मिला देगी। बाकी पेरेंट के ये दोनों चीजें तो इंटैक्ट है, बैलेंस शीट बन जाएगी। क्लियर क्या? अब लेकिन अपन ने कंसोलिडेशन क्या 80% पे किया है कि 100% पे किया है? अपन को तो 100% पे करना है, ठीक है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे? अब वापस से देखो, असेट्स की जगह मैं लिख लेता हूं नेट असेट्स डेबिट। आप SBR पढ़ रहे हो, ध्यान रखना है ना, ठीक है। अब आपका दिमाग हो सकता है गर्म हो रहा हो यहां पे। क्यों गर्म हो रहा होगा? अगर आपने कॉन्सेप्ट F7 के अंदर ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो पक्का आपका दिमाग इस टाइम पे गर्म होगा, और होना भी चाहिए। मैं चाहता ही हूं कि आप घुसो इसके अंदर, ठीक है, वरना क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ने में कोई मजा ही नहीं है इसके अंदर। अभी मैं आपको इतने कॉम्बिनेशन बता दूंगा कि आप बोलोगे पढ़ने के बाद कि आपको लगेगा कि आपने रियल में कंसोलिडेशन अच्छे से पढ़ा है, ओके? तो नेट असेट्स अकाउंट डेबिट, अभी तक मैंने नेट असेट्स कितने पे डेबिट किया बताओ? 80% पे, तभी तो 9,60,000 आया था। अब मैं कहता हूं चलो 100% पे कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक है। 100% पे नेट असेट्स कितनी आ गई?
12 लाख। नेट असेट्स कैसे आती है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। गुडविल डेबिट कर दिया, गुडविल कितना आया था? 5,40,000 का। टू इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए। इन्वेस्टमेंट्स कितने खत्म हो गए थे? 15 लाख के। क्या एंट्री मैच करेगी? नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपने 100% पे कंसोलिडेशन कर दिया, बट आप एक चीज को लेना भूल गए। क्या? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई। सर यहां पे तो नहीं लिया था नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे मैंने 80% पे ही कंसोलिडेशन किया था, इसलिए तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। 80% पे कंसोलिडेशन किया हमने, नेट असेट्स उसकी बुक ही कितने पास, अपने पास कितनी बुक करी? 80%। तो जरूरत ही नहीं पड़ी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बुक करने की। अब की बार आप 100% नेट असेट्स रिकॉर्ड कर चुके हो सब्सिडरी कंपनी की, गुडविल चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए। अब आपको क्या बुक करना पड़ेगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, देखो ये जो नेट असेट्स 12 लाख थी सब्सिडरी कंपनी की, ध्यान समझना अच्छे से ना, उसका 80% किसके पास था? होल्डिंग के पास। तो कितना? 9,60,000 होल्डिंग के पास नेट असेट्स हो गई एक तरीके से ओनरशिप के अंदर। तो एनसीआई की मतलब दूसरे लोगों के पास कितना परसेंट हो गया शेयर? 20%। 80% तो पेरेंट के पास हो गया, 20% दूसरे लोगों के पास हो गया। तो सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट्स का कितना अमाउंट जो दूसरे लोग ओन्ड करते हैं वो है 2,40,000। ये क्या किया सर आपने? अब एंट्री पहले देखो मैच करी या नहीं करी? 12 प्लस 5.4 कितना होता है? 17.4, और ये भी 17.4 मैच कर गई। लेकिन सर ये हुआ क्या? मैंने आपको क्या बोला, हमें अकाउंट्स जो हैं वो कंसोलिडेशन जो है वो कंट्रोल बेसिस पे बनाना है क्या ओनरशिप बेसिस पे बनाना है? पेरेंट भले ही 80% ओन्ड करती है सब्सिडरी को, बट पेरेंट इज कंट्रोलिंग 100% ऑफ इट सब्सिडरी, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंट्रोल। तो इसीलिए पेरेंट बोल रहा है, देखो ध्यान से अब इस एंट्री के अंदर घुसो, पेरेंट क्या बोल रहा है कि देखो हम सब्सिडरी कंपनी की पूरी 12 लाख की नेट असेट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये देखो 12 लाख कैसे आया? दो तरीके बताए थे, या तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो 13 लाख माइनस 1 लाख, या फिर 10 प्लस 2, ठीक है। तो हम सब्सिडरी कंपनी की असेट्स को पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं 12 लाख नेट असेट्स को, और हमारे इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को खोल के ही, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको हटा के अपनी बुक से, व्हाट इज कंसोलिडेशन? वी आर रिप्लेसिंग अवर इन्वेस्टमेंट विद द नेट असेट्स ऑफ अवर सब्सिडरी कंपनी, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ओके, हम एक तरफ क्या दिखाएंगे? गुडविल, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, और लेकिन हमने देखो कंसोलिडेशन कितना कर दिया? 100% का, बट रियल में हमारे पास 20% की असेट्स तो ओनरशिप ही नहीं थी। तो अब हम उसको, क्योंकि हमने 20% यहां पे ज्यादा दिखा दिया, तो हम एक एनसीआई बुक करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्लियर? कुछ क्लियर हुआ होगा, काफी चीजें तो आपने पढ़ रखी है, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से परसेप्शन चेंज करके आपको बताया। ये जो हमने कैलकुलेशन करी एनसीआई की, इसे बोलते हैं एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे दिखाना।
कि हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को पीएसएनए पे दिखा रहे हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे। सबसे बढ़िया तो एक ये तरीका, सबसे बढ़िया नहीं सॉरी, एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पीएसएनए को आप, मतलब एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स पे दिखाओ, मतलब जो भी नेट असेट्स है उसके प्रोपोर्शनेट शेयर पे दिखा दो। नेट असेट्स 12 लाख है सब्सिडरी कंपनी की, उसको 20%, 2,40,000 है ना। ये वो लोग हैं जो अदर देन होल्डिंग कंपनी, जो लोग शेयर एक्वायर करके बैठे हैं सब्सिडरी कंपनी के, होल्डिंग के अलावा। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, एनसीआई को आप फेयर वैल्यू पे दिखाओ, ठीक है। ये दोनों मेथड F7 में थे। तो मैं अब दूसरी पॉइंट पे बात कर रहा हूं अपनी। तो एक एक कहता है कि चलो एनसीआई को आप किस पे दिखा दो, पीएसएनए पे दिखा दो, और एक कहता है एनसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाओ। इसका क्या मतलब है देखो जरा। प्रिपेयर सीबीएस ऑन 31 मार्च 2022 अज्यूमिंग एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स और एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 3 लाख। क्वेश्चन में आपको एनसीआई की फेयर वैल्यू दे दी 3 लाख। इसका मतलब 20% की डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी 3 लाख की। एनसीआई तो 20% है ही ऑलरेडी, तो एनसीआई की वैल्यू दे दी 3 लाख। इसका 20% करने की गलती मत करना, है ना। तो 3 लाख आ गया सीधा सीधा। तो कई लोग बोलते हैं इसको, एनसीआई को आप किस पे दिखाओ, फेयर वैल्यू पे। जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं तो इसे बोलते हैं फुल गुडविल मेथड। तो इसे क्या बोलते हैं, फुल गुडविल मेथड। मतलब कि आप एक तरीके से मैं यहां पे एक बॉक्स बना के बता रहा हूं, मीन्स अब आप क्या करोगे, एनसीआई में भी गुडविल खोजोगे। अभी तक आपने जब गुडविल निकाली थी, अभी तक आपने गुडविल केवल होल्डिंग कंपनी के हिसाब से निकाली थी कि होल्डिंग कंपनी ने 15 लाख के इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, उसको नेट असेट्स मिली 9,60,000 की, तो गुडविल कितनी है 5,40,000 की। अब मैं कह रहा हूं नहीं, फुल गुडविल मेथड यूज करो एनसीआई को जब आपने फेयर वैल्यू पे दिखाया। इसका मतलब आप बोलोगे कि एनसीआई कितने का है, एनसीआई की फेयर वैल्यू है 3 लाख की, और एनसीआई के पास नेट असेट्स कितनी है 2,40,000 की। इसका मतलब कि एनसीआई में गुडविल छुपी है कितने की, 60,000 की। क्या है इसका बेसिक मीनिंग, क्या है मतलब, क्या है मतलब, यह है कि जब, अब ध्यान सुनना, एनसीआई क्या है एक तरीके से, इक्विटी। इक्विटी में दिखा रहे हो आप एनसीआई को, है ना, ऊपर भी इक्विटी में दिखा रहे थे अभी। तो एक तरीका है तो है कि जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर है नेट असेट्स का उस पर दिखा दो, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका यह है, मान लो कि अभी होल्डिंग कंपनी, जैसे मान लो क्या, अभी होल्डिंग कंपनी के पास कितने परसेंट शेयर है इस क्वेश्चन में, 80%। अगर कंपनी, होल्डिंग कंपनी सोचो, अगर होल्डिंग कंपनी इस सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर खरीदना चाहे तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले लोगों के पास, जिनके पास बाकी 20% शेयर है कि नहीं। तो वो लोग कितने में उस शेयर को बेचेंगे, वो लोग बेचेंगे 3 लाख में या 240 में। ऑब्वियसली 3 लाख में, क्योंकि उनकी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है मार्केट में, 3 लाख, जबकि उनके पास नेट असेट्स का शेयर कितना है, 2,40,000। इट मींस आपको उस टाइम पे 60,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे गुडविल के, ठीक है ना। एक इसके पीछे ऐसा भी थॉट है, क्लियर क्या। तो दो तरीके हैं एनसीआई को दिखाने के, पीएसएनए पे और फेयर वैल्यू पे। सर व्हाट इज पॉपुलर मेथड, ऑब्वियसली पॉपुलर मेथड इज फेयर वैल्यू, ठीक है। तो हम भी किस पे दिखाएंगे, फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। तो सर अगर अब की बार अगर हम जनरल एंट्री पास करना चाहें तो क्या जनरल एंट्री पास होगी, आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। सोचो क्या एंट्री होगी, नेट असेट्स अकाउंट डेबिट। अगर होल्डिंग कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, नेट असेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की नेट असेट्स, 100% नेट असेट्स,
चेक कर लो, सब्सिडरी कंपनी की 100% नेट असेट्स कितनी है? 12 लाख ही है। कैसे? 10 + 2 12, राइट। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल पहले कितने की आ रही थी? 5,40,000 की, और अब गुडविल कितने की हो गई? 60,000 की और बढ़ गई, ठीक है। इसे कहते हैं फुल गुडविल, क्लियर। इन्वेस्टमेंट्स आपकी बुक्स से खत्म हो गए, होल्डिंग कंपनी की बुक्स से इन्वेस्टमेंट चले गए। कितने के इन्वेस्टमेंट चले गए? 15 लाख के। फिर एनसीआई आपकी बुक्स में आ गया। एनसीआई किस पे दिखा रहे हो? फेयर वैल्यू पे। एनसीआई कितना आ गया? एनसीआई आ गया 3 लाख। चेक कर लो एंट्री मैच करी या नहीं करी। 12 + 6 = 18, 15 + 3 = 18। एंट्री तो यहां पे भी मैच कर रही थी और यहां पे भी मैच कर रही है। जब एंट्री मैच कर रही तो बैलेंस शीट बनाने में क्या दिक्कत है? बन जाएगी ना। हाँ, अब एक छोटा सा पॉइंट और ले लेते हैं जिसमें बच्चों को गया तो आपको मतलब हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो, हल्की सी, कि नेट असेट्स हम 12 लाख ऐसे नहीं दिखाते, हम पूरा खोल के दिखाते हैं, ठीक है ना। कैसे? कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब्सिडरी कंपनी की कितनी है? 12 + 1 = 13, और करंट लाइबिलिटी 1 लाख। तो हम यहां पे लिखेंगे पीपीई 12 लाख, करंट असेट्स कितना था? 1 लाख थी। और 1 लाख करंट लाइबिलिटी। एंट्री मैच करी के चेक करना। 12 + 1 = 13, 13 + 6 = 19, और 15 + 4 = 19, ठीक है। मतलब मैंने नेट असेट्स लिखा था पहले, अब की बार मैंने नेट असेट्स को भी खोल के लिख दिया आपके सामने। तो पीपी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी, ये तीनों अगर एग्रीगेट कर दूं मैं, पीपी और करंट असेट्स को ऐड कर दो और करंट लाइबिलिटी को लेस कर दो, तो यू विल गेट नेट असेट्स अमाउंट, राइट। सर अगर अब कंसोलिडेशन करना हो तो सीबीएस कैसे बनेगा, बताओ कैसे बनेगा? सबसे पहले तो पीपीई, पेरेंट की पीपीई कितनी है? 20। और सब्सिडरी की कितनी थी? 12। ये देखो सब्सिडरी की पीपीई हो गई कंसोलिडेट। ये एक तरीके से एंट्री क्या है? कंसोलिडेट ही तो कर रही है चीजों को। फिर करंट असेट्स कितना? 1 लाख, और ये 5 लाख। तो करंट असेट्स पेरेंट की कितनी थी? 5 लाख। सब्सिडरी कितनी हो गई? 1 लाख। 5 + 1 = 6 लाख। इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट हो गए पेरेंट की बुक में, मतलब इन्वेस्टमेंट खत्म हो गए। इन्वेस्टमेंट खत्म करके ही तो आप खोल के लिख रहे हो अमाउंट को, तो कितना हो गया? अच्छा एक सेकेंड, गुडविल लिखनी पड़ेगी कितने की? 6 लाख की। 38 + 6 कितना होता है? 44, राइट। शेयर कैपिटल कितनी है पेरेंट की? 30 लाख। ओके, फिर अदर इक्विटी थी 7 लाख थी, ये भी पेरेंट का ही लेना था। करंट लाइबिलिटी पेरेंट की 3 + 1 = 4। ओके, करंट लाइबिलिटी लिखने से पहले एक बार एनसीआई लिख दे करो। एनसीआई कितना है? एनसीआई था 3 लाख का। और करंट लाइबिलिटी कितने की थी? 3 + 1 = 4 लाख।
अब टोटल कर लो जरा, 30 और 7 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 4 44, तो 44 लाख आपका आ गया। ये हो गई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, समझ में आया। हमने कंसोलिडेशन थोड़ा सा डिटेल में जाके डिस्कस किया। पहले मैंने आपको तीन तरीके से एंट्री बताई, अगर आपने देखी हो तो ध्यान से, ठीक है। मैंने कहा अगर हम 80% पे कंसोलिडेशन करते तो ये ऐसे एंट्री होती, लेकिन ऐसे कहीं पे कंसोलिडेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ओनरशिप के बेसिस पे आप अकाउंट्स नहीं बनाते, यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अगर फिर भी आप ओनरशिप के बेसिस पे भी बनाने की इच्छा है तब एनसीआई रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा? क्योंकि आपने तब किसी बाहर वाले की मतलब कोई असेट्स को इंक्लूड ही नहीं किया, आपने कंसोलिडेशन 80% पे ही किया है। फिर आप 100% पे कंसोलिडेशन करें, है ना, लेकिन यहां पे एनसीआई को आपने किस पे दिखाया? प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट असेट्स। मैंने कहा 100% पे तो कंसोलिडेशन करो, लेकिन एनसीआई को किस पे दिखाओ? फेयर वैल्यू पे। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे आएगी तो एनसीआई की गुडविल भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं फुल गुडविल मेथड। तो खुद की गुडविल प्लस एनसीआई की गुडविल दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो ऐसे करके हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, टाइम लगा। एसबीआर में इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आएगा तभी बड़े बड़े क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। ओके, चलो इतना रिवाइज कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।